जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त फैसल, और अभी जी हम मौजूद हैं मोटरवे पे, जा रहे हैं इस्लामाबाद और रुके हैं यहां पर हैज़रो कयाम तवाम में, जो कि नया कयाम तवाम जो है ये बना है। और अभी हम रुके हैं तो एक कप चाय पीते हैं और फिर निकलते हैं इस्लामाबाद के लिए। जी जनाब, चाय हमारी आ गई है, दूध पत्ती, और चाय पी के तो अभी निकलते हैं। अभी दोपहर का टाइम है और रश भी काफ़ी ज़्यादा है लोगों को, ये आप देख सकते हैं। अच्छा जी, तो हम पहुंच गए हैं इस्लामाबाद और अभी हम जी जा रहे हैं सीधा शकरपनिया की तरफ, और वहाँ हम करेंगे लंच और इंशाल्लाह आपके साथ भी शेयर करेंगे। तो आइए देखते हैं शकरपनिया। जगह जी चेक करें, बड़ा ही खूबसूरत ये है जी शकरपनिया, और हम जा रहे हैं TKR। मौसम वैसे अच्छा है, आज दोपहर है और धूप काफ़ी अच्छी है। यह है जी TKR इस्लामाबाद। अच्छा जी, ये टेबल हमें मिल गया है, हमने प्रेफर किया कि धूप में बैठते हैं, तो बस ये धूप में ज़्यादा इसको कर नहीं सकते क्योंकि वो फैमिली से बैठी हैं। ये जी इनका मेन्यू, हमने ऑर्डर दिया है बीफ पुलाव का और साथ में जो है इनका जो है रोश, तो हमने इनके रोश का दे दिया। इसको ट्राई करते हैं, देखते हैं कि TKR वाकई TKR है या बस सिर्फ सोशल मीडिया में TKR है। तो देखते हैं, टेस्ट करते हैं और आपको भी बताते हैं। जी जनाब, ऑर्डर हमारा आ गया है, लेकिन काफ़ी इंतज़ार के बाद और शिकायत के बाद, क्योंकि हमने इनको कंप्लेंट की है कि भाई ये कैसा हमारा ऑर्डर है कि रेडी नहीं हो रहा, लेकिन चलो अच्छा है कि एटलीस्ट आ गया। ये हमने जी रोश के लिए किया था ऑर्डर, और साथ में काबली पुलाव और साथ में ये सैलेड वगैरह। तो अभी इसको ट्राई करते हैं, देखते हैं कि कैसा टेस्ट है TKR का। तो सिर्फ नाम ही है या कुछ है भी इसमें?
हमने जी ऑर्डर दी है रोटियों की, रोटियाँ अवेलेबल थी तो हमने कहा रोटियाँ ही करते हैं, क्योंकि ना तो हम रेगुलर खाते हैं हर जगह। टेस्ट अच्छा है, बुरा नहीं है। बुरा बिल्कुल भी नहीं है। चलिए जी, रिव्यू इंशाल्लाह हम आपको फिर खाने के बाद देते हैं। चलिए जी, बिस्मिल्लाह करते हैं, वापसी करते हैं। अच्छा, खाना हमने खा लिया, टेस्ट अच्छा था, बुरा नहीं था, लेकिन वो उस तरह नहीं था जिस तरह हमारा ख्याल था, या वो लोग कहते नहीं है कि वाओ टेस्ट था, वाओ टेस्ट बिल्कुल नहीं था। एक तो इनकी लोकेशन काफ़ी अच्छी है, दूसरा ये लोग टाइम बहुत ज़्यादा लेते हैं, हमने तकरीबन 55 मिनट जो है वो वेट किया। अच्छा, और इनकी एक तो मैनेजमेंट का वो नहीं है कि भाई, मतलब इनके पास कोई वॉकी टॉकी टाइप कोई चीज़ नहीं है कम्युनिकेशन का कि भाई इस ऑर्डर का क्या बना क्या नहीं बना। हर एक बंदा आता था, बस यही पूछता था, फिर वो गायब हो जाता था। अच्छा, और दूसरा जो मैंने जो चीज़ नोट की, अगर हम कबीर के साथ इसको कंपेयर करें तो कबीर का प्लस पॉइंट ये था कि उसका ओपन किचन था, कोई भी बंदा जाके उसको चेक कर सकता है जो क्या पक रहा है क्या पक नहीं रहा, कोई रोकने टोकने वाला नहीं था, मतलब ये कि वो ज़रा प्लस पॉइंट जाता है। तीसरा, इनकी प्राइसेस इनकी काफ़ी ज़्यादा हाई है, मेरे जो मैंने सुना था उसे काफ़ी ज़्यादा है। और जो मेरे ख़्याल से जो आखिरी चीज़ जो है वो मेरा अपना ओपिनियन ये है कि ये लोग इवन डेबिट कार्ड से अगर आप पेमेंट करते हैं तो उसके जो 50 या 30 रुपए मेरे ख्याल से बनते हैं वो भी आपसे चार्ज करते हैं। जब भी आप जहाँ भी खाना खाएँ तो आपने उनसे जो है वो रसीद मस्ट लेनी है, वो रसीद ऐसी रसीद हो जिस पर FBR का लोगो वगैरह हो, के क्योंकि आप मेक श्योर करें कि आप जो पेमेंट टैक्स का दे रहे हैं तो वो अपनी जगह पे पहुँचे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।